एक महीने के इस महाराष्ट्र टूर में जहां पर हम तकरीबन 14 से 15 शहरों का सफ़र कर रहे हैं, 4 अगस्त को हम पूना से निकले थे। अब वहां से बीड, परभणी और उसके बाद औरंगाबाद होते हुए आज 14 अगस्त है, तो एक रेस्ट के लिए हम खुलदाबाद आए हैं। और ये जिस मकाम पर हम आए हैं, ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। एक ज़माने में निज़ाम इस गेस्ट हाउस में बतौर मेहमान आते थे, क़याम करते थे। तो कल हमारा यहाँ से रवानगी है, कल हमारे यहाँ से रवानगी है। 15 अगस्त को हम अकोट के लिए वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, MAO फाउंडेशन अकोट की जानिब से 2 रोज़ा टीचर्स की ट्रेनिंग रखी गई, जिसमें सैयद सईद अहमद साहब पुना ने बड़े अच्छे अंदाज में थ्रू आउट द गेम्स एंड एक्टिविटीज़ पर्सनैलिटी कैसे डेवलप की जाए इस पर अपना सेमिनार रखा, इस पर अपना लेक्चर दिया, और साथ ही साथ हाउ टू फिट अवर बॉडी, इसके लिए जो एक्सरसाइज बताई है बड़ी दिलचस्प और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रही है, और इसके ज़रिए से एक टीचर्स को किस तरह से अपडेट और फिट रहना चाहिए, इसका जो है वो हमें इल्म हासिल हुआ। MAO फाउंडेशन अकोट की तरफ से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर प्रोग्राम लिया गया, जिसमें सर सैयद सईद सर ने हमें बहुत मतलब कारामद चीज़ें बताए हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने डेली रूटीन लाइफ को चेंज कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज एंड आल्सो हाउ टू चेंज आवर व्यू, नज़रिया किस तरह से हम बदल सकते हैं, इसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही कारामद रहा है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। में MAO फाउंडेशन ये चाहता है कि टीचरों की, मुदर्रिसीन की इस वर्कशॉप से अपनी ख़ुद की ज़ाती तरक्की हो, जिससे वो अपने अपने स्कूलों के बच्चों का ज़्यादा फ़ायदा कर सके और कौम में, मिल्लत में इसका सही मैसेज पहुँचे।